नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का महत्व बहुत अधिक होता है। ऐसा माना जाता है पितृपक्ष के दौरान हमारे मृत पूर्वज पितृलोक से हमें मिलने आते हैं और अपने परिजनों के बीच रहकर अन्न और जल को ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष की महत्वपूर्णता बताते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, पितृदेव हमारे घर के देवता होते हैं जो हमारे घर की रक्षा किसी कवच के समान करते हैं। ऐसे में जिन घरों में स्वयं पितृदेव खुश रहते हैं उस घर पर कभी कोई संकट नहीं आता। लेकिन अगर किसी घर में कोई पितृ दोष होता है या उनके पितृ देवता उनसे नाराज होते हैं तो उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा, क्लेश, धन की परेशानियां और बीमारियां बनी रहती है। ऐसे घर में कुछ भी मंगल नहीं होता। और ये जो पितृ पक्ष के 16 दिन होते हैं वो अपने पितरों को खुश करने के लिए ही होते हैं। लेकिन आपको कैसे पता लग सकता है आपके घर में पितृ दोष है भी या नहीं? तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे पता लगा सकते हैं आपके घर में पितृ दोष है या नहीं है। इस तरीके से आपको लक्षण दिखाई देंगे, साथ ही क्या क्या उपाय आपको करना है पूरा इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। साथ ही हम आपको एक ऐसा कार्य भी बताएंगे जिसे आपको इस पितृ पक्ष में अवश्य कर लेना है। अगर आप ये कार्य नहीं करते तो आपके पितृ देवता आपसे नाराज हो सकते हैं, आपके घर परिवार में संकट आ सकता है, जीवन की खुशियों को नजर लग सकती है। मित्रों, सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं इसका उल्लेख शिव महापुराण में किया गया है, बस हम आपके सामने इसे आसान भाषा में बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसे विस्तार से। मित्रों, श्राद्ध पक्ष यानी जो ये पितृपक्ष की जब भी शुरुआत होती है तो जो भी हमारे पितृ देवता हैं या फिर जो हमारे पितर हैं जिन्हें हम पूर्वज भी कहते हैं, इन्हें पितृ लोक से मृत्यु लोक में भेजा जाता है और ये सर्वप्रथम हमारे घरों में आते हैं। तो जो ये श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है वो 29 सितंबर यानी कि शुक्रवार से हो रही है और इसका समापन 14 अक्टूबर को हो जाएगा। और इसी बीच में आपकी सारी तिथियां आ जाएगी, जैसे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, प्रदोष, एकादशी, सब कुछ आ जाएगा। ऐसे में जिन दिनों पर आपके पितर इस दुनिया को छोड़कर के गए थे उसी दिनों पर आपको उनका श्राद्ध करना है। अगर आपको तिथियां पता नहीं है तो आप इसे अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। तो इन सब में सबसे पहले हम आपको बताएंगे इन 16 दिनों में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी है और कौन सा उपाय है जो आपको करना चाहिए जिससे आपके पितृ देवता खुश रहेंगे और आपके हर एक परिवार के सदस्य की उन्नति होगी, क्योंकि दोस्तों ये पूरा खेल पितृ दोष का ही होता है। सबसे पहले बात करते हैं, जब भी पितृ पक्ष की शुरुआत होती है तो आपको किन चीजों को आपके घर में नहीं लाना चाहिए जिससे कि आपके पितृ देव नाराज ना हो। तो सबसे पहले एक तो यह चीज, काफी सारे लोगों को इसका नाम पता होगा, इसे आगरा का जो पेठा होता है वो इसी वाले फल से बनता है। काफी सारे लोग इसकी सब्जी भी बनाते हैं, पर गलती से भी आपको 16 दिनों के पितृपक्ष में इसे घर में नहीं लाना है और ना ही इसकी सब्जी बनाना है। काफी सारे लोग इसे कद्दू समझ लेते हैं, लेकिन ये कद्दू नहीं है। कद्दू जैसा जरूर दिखाई देता है लेकिन ये कद्दू नहीं है। अगर आपको इसकी सही पहचान करनी है तो जब भी आप इसके ऊपर हाथ लगाओगे तो इसके ऊपर से सफेद सफेद सा एक पाउडर की तरह से जमा हुआ आपके हाथों पर चिपक जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये होता है पेठे वाला फल, जिसको काफी सारी भाषाओं में कुष्मांडा या पेठे वाला फल भी कहा जाता है। तो आपको इसे गलती से भी अपने घर में नहीं लाना है। तो पहले काम तो यह हो गया, इसकी जगह पर आप पितृपक्ष में कद्दू बना सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज है, जब भी आप पितरों को भोजन परोसोगे, भोग लगाओगे, तो आपको अपने पितृ देवताओं को गलती से भी भैंस के दूध की बनी हुई मिठाई या खीर काम में नहीं लेनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ गोमाता के दूध से ही बनाए हुए मिष्ठान बनाने हैं, वरना आपके पितृ देवता नाराज होते हैं। तीसरी चीज है गोभी। आप सब लोग जानते हो तो आप इस वाली गोभी को, जिसे हम फूल गोभी कहते हैं, इसे आप घर पर खा सकते हो। लेकिन ये जो केबेज होती है जिसे हम पत्ता गोभी कहते हैं, इस पत्ता गोभी की सब्जी को भी घर में नहीं बनाते हैं, इस चीज को अवश्य ध्यान में रखना। चौथी चीज, तुरई की सब्जी। तुरई की सब्जी भी आपको जरूर बनानी है, जिसे गिलकी वगैरह भी कहा जाता है। इससे आपके पितृ देवताओं को शांति मिलती है और वो खुश होते हैं, वह प्रसन्न होते हैं, आपके परिवार की उन्नति करते हैं। पहले काम तो ये हो गया, आपको कौन कौन सी चीजों से दूर रहना है।
और हमने जो ये तीन चीजें बताई है उसे गलती से भी मत लेकर के आना। अब जान लेते हैं घर में पितृ दोष होने पर कैसे लक्षण दिखाई देते हैं। जब भी किसी घर में पितृ दोष होता है तब घर में बीमारियों का डेरा होता है, परिवार के सदस्य हमेशा अस्वस्थ रहते हैं, वैवाहिक जीवन में सदा तनाव बना रहता है, पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते हैं, परिवार में एकता नहीं होती, अक्सर घर में क्लेश होते हैं, घर के सदस्यों को मानसिक शांति नहीं मिलती, बिना बात के घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, ये सब पितृ दोष के लक्षण हैं। पितृ दोष होने पर अक्सर विवाह या मांगलिक कार्य में बाधाएं उत्पन्न होती है, शादी में तमाम तरह की परेशानियां आती है, कई बार तो शादी पक्की होने पर टूट जाती है। वंश की वृद्धि का ना होना भी पितृ दोष का कारण है। ऐसे लाख जतन के बाद भी शादी के कई सालों तक संतान सुख नहीं मिल पाता। अगर संतान सुख मिल भी जाए तो बच्चा विकलांग या पैदा होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। पितृ दोष होने पर नौकरी और बिजनेस में अक्सर घाटा होना, कार्यस्थल पर आर्थिक के साथ मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। ये सभी पितृ दोष के लक्षण हैं। अब जानते हैं पितृ दोष से छुटकारा पाने के कुछ उपाय। इन सभी उपायों के अंत में हम आपको वो असरदार उपाय भी बताने वाले हैं जिसका उल्लेख शिव महापुराण में बताया गया है, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में पितृ दोष बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति को घर के दक्षिण दिशा के दीवार पर पितरों की फोटो लगानी चाहिए, साथ ही नियमित उनकी पूजा करके अनजाने में किए गए गलतियों के लिए उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। कहते हैं इससे पितृ दोष का प्रभाव कम होने लगता है। साथ ही पितृ पक्ष में पूर्वजों का विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल या वट वृक्ष के नीचे किसी लोटे में गंगाजल लेकर उसमें काले तिल, दूध, अक्षत और फूल डालकर पीपल को अर्पित करें। कहते हैं इसे करने से पितरों को शांति मिलती है और वो आपको शुभ आशीर्वाद देते हैं। पितृ पक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक लगाएं, ऐसा आप रोजाना भी कर सकते हैं, इससे पितृ दोष खत्म हो जाता है। पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए आपको पितृ पक्ष के 16 दिनों तक शिवलिंग पर नियमित रूप से जल अभिषेक करना चाहिए, ऐसा करने से आपको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, वहीं पितृ दोष से भी मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा जीवन में आ रही तमाम समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा और धन का आगमन होने लगेगा। पितृ पक्ष में जरूरतमंद को भोजन करवाएं या गरीब कन्या के विवाह में मदद करने से भी पितृ देव खुश होते हैं और पितृ दोष शांत होने लगता है। अब जानते हैं उस असरदार उपाय के बारे में जिसका जिक्र शिव महापुराण में बताया गया है। पितृ पक्ष के दौरान सबसे पहले आपको एक कटोरी में चावल, बेलपत्र और दुर्वा बांधकर पानी के घड़े के पास रख देना है। कहते हैं ऐसा करने से भी पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, पितृ देव भी अपने लोगों से खुश रहते हैं और उनके जीवन की तमाम समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चावल की कटोरी को रखने के बाद उसका बाद में क्या करना है, तो आपको बता दे 2-3 दिन बाद कटोरी में बंधा हुआ बेलपत्र और दुर्वा शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित कर दें और चावल को अपने घर में छिड़क दें, तभी आपको इस उपाय का फायदा देखने को मिलेगा। तो मित्रों, ये थे पितृ दोष से छुटकारा पाने के कुछ असरदार उपाय। हम आशा करते हैं हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय पितृ देव अवश्य लिखें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।